तो मान लो यार, ये वीडियो बनाने का मेरा मन तो नहीं कर रहा था, बट गाइस यार मजबूरी में मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो गाइस यार आप सभी लोग जन्नत जी वाईटी को तो जानती होंगे, एंड आप सभी को ये भी पता है कि हाल ही में अपने स्काईलॉर्ड भाई की डेथ हो चुकी है। तो गाइस यार उनकी डेथ होने की वजह से यहाँ पे इस बंदे ने कुछ इस तरह की वीडियो बनाई, जिसमें इसने थंबनेल के अंदर लिखा हो कि अच्छा हुआ ये मर गया। एंड गाइस यार अपनी वीडियो के अंदर इसने ये बोला है कि ये बंदा मर गया एंड मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। एंड गाइस यार इन सभी बातों के बारे में आप सभी को पता ही होगा, एंड बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर ने इस बंदे को एक्सपोज किया है, साथ ही में जो अपने ज्ञान भाई है उन्होंने भी इसको पोस्ट कर दिया है। तो गाइस यहाँ पे इस बंदे ने कुछ नया आइडिया निकाला है, एंड ये बंदे ने एक और वीडियो बनाई है जिसके अंदर आके ये सारे के सारे यूट्यूबर को धमकी दे रहा है कि जिस बंदे ने मेरा थंबनेल यूज किया, जिसने मेरी वीडियो यूज की, उसको मैं स्ट्राइक मार दूंगा वरना वीडियो को डिलीट कर दो। तो गाइस सबसे पहले तो इस बंदे को मैं यही बताना चाहूंगा कि भाई एक स्ट्राइक मार के तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तूने जो गलती की है उसकी कोई भी माफी तुझे यहाँ पे नहीं मिलेगी। एंड बंदा साथ ही में इस वीडियो में ये भी बोल रहा है कि भाई मैंने इतनी सारी वीडियो बना दी जिसके अंदर मैंने अपनी गलती की माफी मांगी है। एंड गाइस आप सभी को पता है कि इस बंदे ने सारी कुछ जो चूतियापा किया है वो सभी कुछ व्यू के चक्कर में किया है। एंड गाइस ये बंदा माफी मांग रहा है, गलती मान रहा है, बट गाइस यहाँ पे जो है ये बंदा क्या बोल रहा है कि मैंने यहाँ पे अपनी माफी मांगी एंड आई होप जो है स्काई आर्मी ने मुझे माफ भी कर दिया होगा। तो भाई सुन ले, सबसे पहले तो तू अपनी ये वाली गलतफहमी को दूर कर ले, किसी ने भी तुझे माफ नहीं किया है, एंड अगर तुझे माफी मांगनी है तो स्काई लॉर्ड के माँ बाप से जाके माफी मांग, उनके पैर में पड़ के माफी मांग, ठीक है ना। ये गलती नहीं है भाई, ये बवंडर है भाई, तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है व्यू के चक्कर में। और इस चिनोटी की हिम्मत देखो भाई, पहले तो इतनी बड़ी गलती करके बैठ गया व्यू के चक्कर में, एंड उसके बाद यहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को धमकी दे रहा है कि मेरा थंबनेल मेरी वीडियो डिलीट कर दो वरना मैं जो है आपके चैनल पे स्ट्राइक मार दूंगा। भाई तेरी एक स्ट्राइक से हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये जो गलती है ना भाई इसकी माफी तेरे को यहाँ नहीं मिलेगी। मैंने जैसे कि पहले कहा है स्काई लॉर्ड के माँ बाप के पैरों में पड़, उनसे जाके माफी मांग, जब वो माफ करेंगे उसके बाद तुझे यहाँ पे माफी मिलेगी। एंड हाँ एक बात कान खोल के सुन ले, तू जितनी ज्यादा वीडियो बनाएगा तू उतना ज्यादा एक्सपोज होगा, क्योंकि तू कितना भी रो धो के वीडियो बना ले भाई कोई भी बंदा तुझे माफ नहीं करने वाला है। ये जो गलती है बहुत बड़ी गलती है, तेरे को अगर कुछ करना था ना भाई जब स्काई लॉर्ड इस दुनिया के अंदर था, जब तेरे को अपना बदला लेना था या उसको गाली बकनी थी या कुछ भी करना था भाई, अब वो बंदा इस दुनिया में नहीं रहा और तू उसके ना होने की खुशी मना रहा है। अबे तेरे से चूतिया आदमी इस दुनिया में नहीं होगा, 100 सुअर मरे होंगे जब जाके तू पैदा हुआ होगा। तो ये जो अपने जन्नत जी वाईटी है ना, ये सभी जो कांड किया इसने व्यू और सब्सक्राइबर के चक्कर में किया। तो गाइस आप सभी को जाना है इस बंदे को इतना सपोर्ट करना है ना, इसकी वीडियो पे एक भी लाइक नहीं होना चाहिए, सारे डिसलाइक होने चाहिए, और कमेंट के अंदर अपने दिल से पूछना भाई इस बंदे ने अगर सही किया है तो आप सभी को अच्छी कमेंट करके आनी है, आप सभी को लगता है कि इस बंदे ने गलत किया है तो गाइस यार अपनी मर्जी से कमेंट करके आना भाई, ये बंदा बहुत ही गलत है, ये बंदा भाई फ्री फायर कम्युनिटी इस दुनिया के लिए कलंक है भाई। ये बंदे का इस तरह का जो माइंड सेट है ना, इस तरह का जो सोच रख रहा है ना, बहुत ही गंदी सोच है। एंड बोलो जहां तक मेरे को लगता है कि ना भाई इसने स्काई लॉर्ड को लेके जो बोला है ना, उस चीज का इसे रत्ती भर भी अफसोस नहीं है भाई। ये लौटने को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको सिर्फ व्यू से मतलब है, एंड धड़ाधड़ वीडियो बना रहा है भाई, रो धो के वीडियो बना रहा है भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तू कितना ही रो ले। एंड गाइस आप सभी को पता है कि यार स्काई लॉर्ड ने हर बार हमारे लिए जो वीडियो बनाई है भाई, उस वीडियो में उस बंदे ने यही बोला है कि फ्री फायर में टॉप अप मत करो, उसमें पैसा वेस्ट मत करो। तो ये चीज आप सभी का अच्छे के लिए है। एंड गाइस मुझे यहाँ पे बहुत सारे बंदे कमेंट करते रहते हैं भाई मेरा 29 का एयरड्रॉप आया है, मेरा 60 का आया है, मेरा 90 का आया है, मेरे को रिडीम कोड दे दो। भाई यार स्काई लॉर्ड ये बात कहता कहता चला गया, भाई यार टॉप अप मत करो गेम के अंदर। तो गाइस आप सभी लोगों से मैं यही कह रहा हूँ भाई, गेम के अंदर पैसा मत लगाओ, एंड आप सभी को अगर अपना लुक बनाना है भाई, अपना आपको दिखाना है तो अपना गेम प्ले दिखाओ सामने वाले बंदे को, किसी को इमोट दिखा के किसी को कपड़े दिखा के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप सब लोग गेम खेल रहे हो तो भाई अपना गेम प्ले बनाओ, अपना गेम प्ले दिखाओ, क्योंकि अगर आप सभी को पता है कि भाई राइस्टार के पास किस चीज की कमी है भाई, राइस्टार के पास सब है, बट जब भी लौंडा जो है वो विदाउट स्किन के खेलता है भाई, देख रहे हो ना भाई। इसी तरीके से आप सभी को अपना गेम प्ले बढ़िया करना है, क्योंकि बंदे मेरे को बोलते हैं भाई मेरे फ्रेंड के पास ये इमोट है वो है, मेरे को चिढ़ा रहा है भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को अपना गेम प्ले बनाना है, एंड उसको 1v1 में बुला और उसको ठोक दे, ठीक है। उसके बाद तेरे को पता चलेगा भाई तेरे को किस चीज में ज्यादा खुशी मिल रही है, 1v1 जीतने के बाद या फिर साला पैसा खर्चा करने के बाद। तो भाई स्काई लॉर्ड का यही कहना था कि यार टॉप अप मत करो, एंड इस चीज को हम आगे भी लेके चलेंगे। तो गाइस यार स्काई लॉर्ड की आत्मा को शांति मिले, एंड लव यू गाइस, बाय बाय।